गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक बेहद खास टॉपिक के बारे में, जो कि है टोटल डेट। इससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा फंडामेंटल एनालिसिस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर अभी तक के हमारे टोटल 10 वीडियोस हो गए हैं, जिनमें कि लास्ट वीडियो था कैश रिजर्व का। और अगर आपको याद हो अच्छी तरह से तो कैश रिजर्व के वीडियो में हमने कैश रिजर्व को कंपेयर किया था किसी भी कंपनी के डेट के साथ में। बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के पास मौजूदा कैश रिजर्व कितना है। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो काइंडली इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। हमारी इस सीरीज के वीडियोस को एक सीरियल से देखना बहुत ज़रूरी है, वीडियो नंबर 1 से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अगर आप पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसे कंपेयर करेंगे कैश रिजर्व के साथ टोटल डेट को। सो हमारी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि इन वीडियोज़ को लगातार एक के बाद एक देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टोटल डेट, यानी कंपनी के पास मौजूद उधार कितना है, उधार कंपनी के लिए किस तरीके से अच्छा या फिर बुरा है, और टोटल डेट को कंपेयर करते समय किसी भी कंपनी में या स्टडी करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अभी का ये सेशन जो कि है टोटल डेट के ऊपर। ध्यान रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि लास्ट टाइम में बात की थी हमने कैश रिजर्व के बारे में, यानी डेट मतलब उधार। किसी भी कंपनी को मार्केट के अंदर अगर अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसे चाहिए वो है कैश, पैसा। नाउ कैश दो तीन तरीके से आ सकता है कंपनी के पास में। सबसे पहला तो अगर उसके पास में सीधा सीधा कैश रिजर्व है कि जिन लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की है वही लोग अपनी जो जमा पूंजी है वो इस्तेमाल कर लें, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और एक बार एस्टैब्लिश करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादातर इनके पास में इतना पैसा होता नहीं है और इनिशियल स्टेज में जो भी पैसा होता है वो शुरुआती खर्चों में ही इस्तेमाल हो जाता है। तब कंपनियों को ज़रूरत होती है और एडिशनल पैसे की, एडिशनल फंड की। नाउ ये एडिशनल फंड कंपनी के पास कहाँ से आ सकता है, उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि कंपनीज़ अपने जो बिज़नेस पार्टनर हैं उनसे पैसा लेती है। अगर बिजनेस पार्टनर से पैसा नहीं मिलता, बिजनेस पार्टनर्स के पास में पैसा नहीं है, तो सेकेंड तरीका होता है वो जाते हैं बैंक्स के पास में, और बैंक्स के पास में लेते हैं डेट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और कुल मिलाकर इस डेट को कहते हैं टोटल डेट, यानी कि लोन। ये लोन अलग अलग तरीके का और अलग अलग परसेंटेज पर हो सकता है। अगर यहाँ से भी नहीं मिलता, बैंक से किसी तरह का लोन नहीं मिलता, तब फिर कंपनी जाती है मार्केट में, NSE BSE में अपने आप को रजिस्टर करवाती है और वहाँ उठाती है अपना जो पोजिशन है वो लिक्विडेट करती है, अपने शेयर्स IPOs लेकर आती है और पब्लिक से पैसा उठाती है। वो भी एक तरीके का डेट ही है, जिसे आप शेयर कैपिटल के तौर पर करते हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डेट की बात करेंगे, यहाँ हम किसी तरह के जो शेयर कैपिटल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हर कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए इनिशियल स्टेज में और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन है कि क्या लोन बुरा है? तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर आपको ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसी मिलेंगी जिनके पास में लोन सफिशियंट अमाउंट में होता है, और लोन हमेशा बुरा नहीं होता। कंपनी को बढ़ने के लिए अपना लोन चाहिए होता है, क्यों? उस लोन का इस्तेमाल करके कंपनी एक्सपेंड करती है, प्लस साल दर साल जितना मुनाफा हो रहा होता है उस मुनाफे से कंपनी उस लोन की किस्त चुकाती रहती है और थोड़ा थोड़ा जो मेन लोन है उसे भी चुकाती रहती है। तो अगर लोन बुरा नहीं होता तो फिर हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि डेट फ्री कंपनीज ढूंढनी चाहिए? उसकी वजह है कि लोन हर वक्त बुरा नहीं होता। अच्छे समय में लोन ली हुई कंपनियां भी बढ़िया परफॉर्म करती रहती हैं, बट जब समय बुरा आता है सबसे ज़्यादा मार इन्हीं कंपनीज में पड़ती है जिनके पास लोन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? बुरे समय में कंपनी का जो सामान है वो बिकना कम हो जाता है, बट इसकी वजह से सामान बिकना कम हुआ तो टॉप लाइन घट गई, टॉप लाइन घटी तो बॉटम लाइन घटी, यानी कि जो मुनाफा है कंपनी जो कमा रही है वो मुनाफा भी कम हो जाता है। मुनाफा कम होना
कंपनी के लिए तो बुरी बात हो सकती है, लेकिन बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिन्होंने उसे लोन दिया है कंपनी को उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। अब वो इंटरेस्ट पूरा करने के लिए कंपनी चाहे प्रॉफिटेबल हो या ना हो, उसे बैंक का लोन चुकाना ही पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे ही बुरा वक्त आता है, कंपनियों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है ऐसी कंपनियों पर जिनके पास में लोन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए ये लोन कंपनी के किस बैलेंस शीट के किस पार्ट में होता है इसे देखते हैं। सेम वही प्रैक्टिस, मनी कंट्रोल खोलिए अपने जो भी आपका वेब ब्राउज़र है उसमें। मनी कंट्रोल में सबसे ऊपर सर्च बार में डालिए इन्फोसिस, सर्च कीजिए इन्फोसिस की, खोलिए फाइनेंशियल्स पर क्लिक कीजिए जो आपकी बैलेंस शीट लेकर आएगा। ओल्ड फॉर्मेट में इसे देखिए और ध्यान से देखिएगा। कैश रिजर्व के ठीक नीचे आपको टोटल डेट का कॉलम मिलेगा जो कि इन्फोसिस में नहीं है। क्यों? इन्फोसिस एक डेट फ्री कंपनी है, इसके पास में किसी तरह का कोई उधार नहीं है, और यही वजह है कि ये सॉट आफ्टर है, सबसे ज्यादा पसंद की जाती है पब्लिक के द्वारा, ब्लू चिप कंपनी है, एक रुपए का भी उधार नहीं है कंपनी के पास। खैर, इन्फोसिस के पास उधार नहीं है तो हम MRF देखते हैं। फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग कंपनी है, टायर सेक्टर की है, ऑटो इंसलरी है। कंपनी के पास टोटल कैश रिजर्व तकरीबन 10,000 करोड़ का है, और लोन जरा ध्यान से देखिए, 1800 करोड़ रुपए का लोन कंपनी के पास सितंबर 14 में हुआ करता था, जो कि बढ़कर 1974 करोड़, देन अगेन कम होता है 1800 करोड़, देन और कम हुआ 1550 करोड़, देन और कम हो रहा है 1450 करोड़। नाउ एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, कंपनी की स्ट्रेंथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि साल दर साल कंपनी का लोन कितनी तेजी से घट रहा है। हमेशा याद रखिए, जो मजबूत कंपनी है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि एक बार लोन ले लिया, अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, अब कितनी जल्दी हम इस लोन को चुका दें। क्यों? क्योंकि लोन पर कंपनी को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, सूद देना पड़ रहा है, ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए नुकसानदेह है। तो जितना जल्दी लोन चुक जाएगा उतना जल्दी कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसलिए अच्छी कंपनियाँ, मजबूत मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी उधार चुकाया जा सके। आमतौर पर आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा बहुत उधार लेकर भी रखती हैं हमेशा, ये होता है ब्याज पर मिलने वाली छूट के लिए। तो इसको देखना किस तरह से चाहिए, टोटल डेट को कभी भी आइसोलेशन में आपको नहीं देखना चाहिए कि कंपनी के पास डेट ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं। कंपनी का डेट हमेशा कंपनी के कैश रिजर्व के कितने रेशियो में है, इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को। कंपनी का डेट यानी कि लोन उसके कैश रिजर्व की तुलना में कितना है ये ज़रूर देखिए, और कितना होना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। कोई कहता है कि जितना कैश रिजर्व हो उससे ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि कैश रिजर्व के दुगने से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए, बट हम शेयर अकेडमी में बिल्कुल सेफ बेट लेते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि अगर कैश रिजर्व 2 रुपए है तो लोन 1 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हमेशा कंपनी के पास कैश रिजर्व उसके लोन का दुगना होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, कंपनियां ऐसी ही सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिनके पास लोन ही ना हो, यानी इन्फोसिस जैसी कंपनियां। अगर वो नहीं भी मिलती हैं तो भी कंपनी का जो डेट है वो कैश रिजर्व का आधा होना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो जो कंपनी का डेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। साल दर साल कैश रिजर्व डेट कभी भी बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा डेट घटता हुआ होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो MRF में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो लोन है वो साल दर साल धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शाता है। और अब डाबर ध्यान से देखिए, टोटल डेट 129 करोड़, 86 करोड़, देन बढ़ता है 283 करोड़, 286 करोड़, 134 करोड़, कम हो रहा है ना। बीच में अचानक से डेट बढ़ता है तो इसकी वजह कई हो सकती हैं, ठीक, कि कंपनी ने एडिशनल डेट लिया हुआ है कहीं से, इस वजह से भी डेट बढ़ रहा है, ठीक। और डेट बढ़ने के बाद तुरंत फिर कंपनी का डेट जो है वो कम होना शुरू होता है, बट कंपेयर कीजिए इसे कैश रिजर्व से, 4000 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेट कैश रिजर्व है, ये हम राउंड फिगर में कह रहे हैं, ये 3792, बट राउंड फिगर में कहते हैं ताकि सुनने में समझने में आसान हो, ठीक है ना। सो 4000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व और कंपनी के पास डेट सिर्फ 134 करोड़ का, यानी बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है डेट की तुलना में। तो डाबर इसी वजह से आप देख रहे हैं स्ट्रांग कंपनीज। अब ऊपर की 5 ये कंपनीज जरा ध्यान से देखिएगा, रिलायंस कम्युनिकेशन, सुजलॉन, क्वालिटी, वोडाफोन, जेट एयरवेज,
ये सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही खराब हैं। आपने देखा इनके बारे में हमने रेगुलर डिस्कस किया है, कुछ पर केस स्टडीज भी दी हैं, वोडाफोन पर केस स्टडी दी है, जेट एयरवेज पर केस स्टडी भी दी है कि कंपनी की हालत खराब है। कंपनी की हालत क्यों खराब है ये सीधे सीधे आपको बैलेंस शीट पर दिखेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादातर कंपनीज की हालत खराब अगर आपको दिखती है तो वो उनके लोन की वजह से ही होती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यू 100 में से 20 कंपनियों में आते हैं, 80 कंपनियों में प्रॉब्लम उसके लोन की वजह से होती है, क्योंकि लोन को मैनेज नहीं कर पाते, डेट को मैनेज नहीं कर पाते मैनेजमेंट, इसकी वजह से ही कंपनी में सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ज़रा देखना शुरू करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन से लेकर जेट एयरवेज तक कि आखिर कंपनी की बैलेंस शीट देखकर आप कैसे जान सकते थे कि कंपनी के साथ में समस्या है। रिलायंस कम्युनिकेशन को ध्यान से देखिए, मार्च 15 टोटल कैश रिजर्व 34,000 करोड़ का और कंपनी के पास लोन कितना था 27,000 करोड़ रुपए का, और मार्च 16 27,000 करोड़ रुपए का टोटल कंपनी के पास, 26,000 करोड़ रुपए का माफ कीजिएगा कैश रिजर्व है और कंपनी का लोन है टोटल 27,000 करोड़ का। मार्च 16 ये वो समय था आज से 3 साल पहले जब आपको आरकॉम से दूर हो जाना चाहिए था। और चार्ट पर अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही शानदार वैल्यू मिलेगी आपको। कैसे? आरकॉम मार्च 2016, ये है मार्च 2016, उस समय आरकॉम चल रहा था 51 रुपीज पर, यानी समझदार लोग जो थे वो 51 रुपीज पर ही आरकॉम से दूर हो जाते, आज के 1 रुपए के चक्कर में उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। सो ये है वो चीज फ्रेंड्स जो आपको बैलेंस शीट पर दिख जाती है, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल चीज है कि अगर कैश रिजर्व के बराबर में कंपनी का लोन आ जा रहा है तो दूर हो जाना है कंपनी से, और वो भी साल दर साल अगर कंपनी का लोन बढ़ रहा है। और तब से आप लगातार देखिए कि आरकॉम की हालत क्या है, कैश रिजर्व लगातार घटता जा रहा है, 26,000 करोड़ से 22,000 करोड़ से 7,000 करोड़ से 11,000 करोड़, बट लोन की हालत देखिए 27,000 करोड़, 26,500 करोड़, 28,000 करोड़, 28,335 करोड़, लगातार लोन बढ़ता जा रहा है कंपनी का, पूरी तरह से हालत खराब है कंपनी की रिलायंस कम्युनिकेशन की। सुजलॉन ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग इन स्तरों पर भी सुजलॉन खरीदने के चक्कर में है कि सुजलॉन के अंदर किसी तरह का कोई टर्न अराउंड आएगा, बट जरा डिग डीप कीजिए, टोटल डेट को ध्यान से देखिए, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 5,500 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, ओके, सो 7,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट कंपनी के पास टोटल लोन है और कंपनी का कैश रिजर्व कितना है ये आपके सामने है। 2,000 करोड़ मार्च 14 में कभी कैश रिजर्व हुआ करता था, वहां से लगातार कैश रिजर्व नेगेटिव में है। नेगेटिव कैश रिजर्व का मतलब कंपनी की जेब में कोई पैसा नहीं है, बुरी हालत है कंपनी की। तो सुजलॉन केवल लोन को देखिए और सोचिए कि क्या इन लेवल्स पर सुजलॉन को खरीदेंगे। क्वालिटी ध्यान से देखिएगा, कंपनी का कैश रिजर्व एक समय थोड़ा बहुत था भी इसकी जेब में, बट क्वालिटी की हालत कब से खराब है, मार्च 2015 से क्वालिटी की हालत खराब है। क्यों? कैश रिजर्व 516 करोड़ है और कंपनी के पास टोटल डेट 1,000 करोड़। जरा क्वालिटी को चार्ट पर देखिए, ईयर है मार्च 2015, बैलेंस शीट पढ़ने का यही मजा है, आपके पास में इंफॉर्मेशन पहले से होती है, आपको मालूम होता है। ये वो समय था जहां से क्वालिटी की हालत खराब थी और देखिए तब से क्वालिटी ऊपर ही ऊपर जाए, कहां तक गया है, मार्च 17 तक। और मार्च 17 ध्यान से देखिए, कंपनी के कैश रिजर्व से कंपनी का जो डेट है वो हमेशा ज्यादा रहा है, लगभग 1.5 गुने पर, और वहां से कंपनी एक तरफा नीचे गिरी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बैलेंस शीट देख सकते और देखते कि कंपनी के पास इतना लोन है, सीधे दूर हो जाते तो भी आप यहां से कहां से 148 रुपए से बचे रहते क्वालिटी जैसे शेयरों में। ठीक है, नाम सिर्फ क्वालिटी है बट क्वालिटी नहीं है कंपनी के पास बिल्कुल भी। देन कम्स वोडाफोन आइडिया, और फ्रेंड्स आपको याद होगा जो अवॉइड कैटेगरी के शेयर थे हमने, उनमें से जो शेयर्स थे डेंजर शेयर की कैटेगरी थी जो हमारे वीडियोस की, उनमें हमने वोडाफोन आइडिया को दिया था जिससे दूर रहने के लिए। और कैटेगरी आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आप नीचे जाकर वीडियोस में चाहे तो सर्च कर सकते हैं। ये डेंजर कैटेगरी के जो शेयर थे इनमें था वोडाफोन आइडिया जिससे हमने आपको दूर रहने के लिए कहा था, जिनमें इमामी और यूपीएल अभी भी हैं। और एक बार ज़रा चार्ट पर देखिए वोडाफोन आइडिया को, कैश रिजर्व 18,000 करोड़, 21,000, 20,000 लगभग इतना, और कंपनी का टोटल डेट देखिए 16,000 करोड़, देन बढ़ता है 37,000 करोड़, देन 51,000 करोड़, 56,000 करोड़, 108,000 करोड़। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वोडाफोन आइडिया जाएगा कहाँ। 20,000 या 21,000 करोड़ जिस समय वोडाफोन का कैश रिजर्व था, उस समय कंपनी के पास डेट इसके दुगने से ज़्यादा, लगभग 40,000 करोड़ का मार्च 16 में।
ज़रा सोचिए कि आइडिया के बारे में आपके पास मार्च 16 में ये इन्फॉर्मेशन थी कि कंपनी की हालत ख़राब है, और देखते हैं ज़रा मार्च 16 कहाँ आ रहा है। ओके, ये है मार्च 16 जहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आइडिया की हालत ख़राब है, और लेवल्स क्या हैं, 111 रुपए के लेवल से आज 11 रुपए पर आ गया है, 111 से 11 पर आ गया है। क्या वोडाफोन आइडिया खरीदने लायक है जबकि आज के समय कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में कंपनी का डेट दुगना है। जेट एयरवेज बेहद शानदार चार्ट है, ध्यान से देखिए चार्ट और बैलेंस शीट दोनों ही। कंपनी के पास टोटल डेट 8000 करोड़ का है, 10000, 9000, 7000, 5000, और कंपनी का कैश रिजर्व नेगेटिव में है, यानी कंपनी की जेब में कोई पैसा नहीं है और कंपनी के पास डेट शानदार है मार्च 14 से ही। ज़रा ये इस लेवल को ध्यान से देखिए, मार्च 14, कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि कंपनी की हालत मार्च 14 से ख़राब है जेट एयरवेज की, बट बैलेंस शीट देखते ही आपको ये समझ में आ जाता है। और इस वजह से हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि डेट कंपनी के लिए सबसे बड़ा जहर है। प्रेमचंद ने ऐसे ही नहीं कहा था कि उधार जो है वो कैसे बढ़ता है, द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता रहता है, और इसीलिए उधार से दूर रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि सारे डेट ख़राब नहीं होते, MRF में जो कंपनी के पास डेट है वो ख़राब नहीं है, डाबर में जो डेट है वो ख़राब नहीं है, बट डेट कैश रिजर्व का कितना परसेंट है ये बहुत मायने रखता है, साथ ही साथ डेट किस तरीके से बढ़ रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, और वो ज़रूरी है क्यों, ताकि आपके अंदर ये प्रैक्टिस आ सके कि कंपनी को खरीदने से पहले उसके डेट को देखना है। कुछ कंपनियां ढूंढ कर निकालिए, हर एक आदमी कम से कम एक कंपनी का नाम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए जिसके कैश रिजर्व की तुलना में उसका डेट बहुत ज़्यादा हो, बट आज की रेट में वो कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लग रहा हो कि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बट कैश रिजर्व की तुलना में डेट डबल से ज़्यादा हो। ज़रा नाम दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और हम इन कंपनियों का फंडामेंटल स्टडी करने के बाद आपके पास इनकी केस स्टडीज़ भी लेकर आएंगे, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा भविष्य में। सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है इसे आपने इन्जॉय किया होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है, कुछ भी आपको लगा है कि इससे ले जाने वाला है, टेकआउट करने वाला है और सीखने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए अपने विचार कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर अकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की, मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।